जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन है उसको टैप कर दीजिए। उसमें आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, ऑल नोटिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो डिस्प्ले में जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसमें आपका पूरा नाम मेंशन कीजिए और उसमें ये भी मेंशन कीजिए कि आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है। हमारी तरफ से आपको फोन या मैसेज के द्वारा संपर्क किया जाएगा और फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, एक योग बनने वाला है इसी महीने में, सितंबर महीने में एक योग बन रहा है। उस योग के साथ कुछ और भी ग्रहों की स्थितियां भी बदल रही है, ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी हो रही है जो एक फिर से कुछ बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है। इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने में 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में जो ये पक्ष पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष, यहाँ पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो अभी आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस योग के साथ ही ग्रहों की कुछ दशाएं, स्थितियां ऐसी आ रही है कि वो किसी बड़ी परेशानी की ओर इशारा कर रही हैं। अब ये क्या बन रहा है और कौन से ग्रहों की स्थितियां हैं, ये इसी बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पक्ष के बारे में बता देता हूँ। हमारे हिंदू माह में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दो पक्ष होते हैं एक माह में। पहला होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। हर पक्ष 15 दिन का होता है। हाँ, कभी कोई पक्ष 14 दिन का भी हो जाता है या 16 दिन का, कभी एक दिन कम हो जाता है, कभी एक दिन ज्यादा या कभी बराबर भी रहता है। ये एक सामान्य स्थिति होती है। तो जनरली एक पक्ष जो होता है वो या तो 14 दिनों का होता है या 15 या 16 दिनों का, जो कि एक सामान्य स्थिति होती है। लेकिन इस बार ये जो 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में जो पक्ष हो रहा है, शुक्ल पक्ष, ये 13 दिनों का हो रहा है। हालांकि इस तरह की घटना, मतलब कि 13 दिन का पक्ष होना, ये घटना हर 3-4 साल में रिपीट होती है, हर तीसरे या चौथे साल में ये होता ही होता है। लेकिन और उसकी संभावना भी बहुत कम है, मतलब कि 1% से भी कम होती है इसकी संभावना, लेकिन ये रिपीट होता है हर 3-4 साल में या 5 साल के अंदर में एक बार तो रिपीट हो जाता है, आ ही जाता है। लेकिन इस बार ये घटना विशेष क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इसी पक्ष में यानी कि 8 से 20 सितंबर के बीच में जब 14 सितंबर आएगी, 14 सितंबर 2021 अष्टमी, और उस दिन मंगलवार है, उस दिन 9 ग्रहों में से जो एक ग्रह है, जो गुरु है, बृहस्पति है, जो देवता है, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, ये वक्रीय गति कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अब ये वक्रीय गति करते हुए मकर राशि में चले जाएंगे। अभी तक इनका गोचर कुंभ राशि में हो रहा था, शनि की राशि है कुंभ भी और मकर भी कुंभ की राशि, लेकिन अब ये वक्रीय गति करते हुए मकर राशि में चले जाएंगे। तो एक तो गुरु वहां पर नीच राशि के हो जाएंगे, लेकिन वहां पर शनि भी वक्रीय रहेंगे। मकर राशि कुछ शनि की राशि है, शनि स्वयं अपने घर में वक्रीय रहेंगे। तो पहली बात तो 13 दिनों का पक्ष, दूसरा गुरु वक्रीय गति करते हुए इसी पक्ष के बीच में मकर राशि में चले जाएंगे, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन तीसरी बात, शनि भी मकर राशि में ही और वक्रीय गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि के द्वारा गुरु का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो ये तीन घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद यानी कि शायद 2 या 3 तारीख के आसपास, या इसी कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बुध भी वक्रीय होंगे। शनि वक्रीय चल ही रहे हैं, गुरु भी वक्रीय हो जाएंगे और बुध भी वक्रीय हो जाएंगे, और उसी के साथ ये 13 दिनों का पक्ष, ये घटना अपने आप में, ये जो ग्रहों की स्थितियां और ये सब बन रहा है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ घटना है, रेयर घटना है। अब इसका असर क्या होगा देश दुनिया पर,
जीवों पर इसका क्या असर होगा उस बारे में भी हम बात करेंगे कि इस घटना का क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पक्ष में, ये जो 13 दिनों का पक्ष है ना, इसी पक्ष में गुरु वक्रीय हो रहे हैं। वक्रीय तो हो गए लेकिन ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वक्रीय होते हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि महाभारत का युद्ध हुआ था, सभी को पता है, उस समय भी ये 13 दिनों का पक्ष पड़ा था। हालांकि उस समय ग्रहों की स्थितियां थोड़ी अलग थी, 13 दिनों का पक्ष था और 2 ग्रहण पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये 2 ग्रहण पड़े थे उसी पक्ष में। इस वजह से आप सभी को, हम सबको पता है कि कितना लॉस हुआ था, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, असमय मृत्यु हुई थी, कितना भयंकर युद्ध हुआ था। एक तरह से हम अगर कह दे तो ये उस समय का विश्व युद्ध ही था, बहुत बड़ा युद्ध था। अब आप यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि महाभारत के काल में भी जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय 13 दिनों का पक्ष पड़ा था, हालांकि वहां पर 2 ग्रहण भी पड़ गए थे जो कि और आग में घी का काम करने वाला था ये, और ग्रहों की स्थितियां हालांकि थोड़ी अलग थी, तो इस तरह की स्थिति अब बन रही है। हालांकि अब ग्रहों की स्थितियां राशि रूप से अगर देखें, राशिगत रूप से तो थोड़ी अलग है, लेकिन 13 दिनों का पक्ष उसी में गुरु का राशि परिवर्तन, वक्रीय गति करते हुए मकर में जाना, शनि ऑलरेडी वक्रीय है, कुछ दिनों बाद बुध भी वक्रीय हो जाएंगे, ये घटना बहुत ही बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या असर पड़ सकता है देश पर, दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जनता का नाश होना, जीवों का नाश होना। नाश किस तरह से? मृत्यु होना, अकारण असमय मृत्यु होना, मतलब कि जन की और धन की हानि होना। किसके द्वारा? किसी रोग के द्वारा, किसी महामारी के द्वारा या किसी भी बीमारी के द्वारा। कोरोना, या जरूरी नहीं है कि कोरोना, किसी और बीमारी से भी, कोई भी बीमारी हो सकती है वो, बट हम यहाँ पर कोरोना को ही कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये चल ही रहा है। और जरूरी नहीं है कि कोरोना, अभी जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा कि कोरोना के साथ में एक और बीमारी आई थी, ब्लैक फंगस, तो इस वजह से भी कई लोगों की जाने गई। ऐसा हो सकता है कि इस बार भी कोरोना के केसेस बढ़े। ऑलरेडी मैं ये प्रिडिक्शन कर चुका हूँ, मैंने आई थिंक जुलाई में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी तीसरी लहर के बारे में। कुछ दिनों पहले, अभी 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें भी इशारा किया गया था कि अब समय वो नजदीक आने वाला है। अमेरिका में ऑलरेडी कई सारे बच्चे, लाखों बच्चे ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे आप क्लिक कीजिए शो मोर पर, वहां पर आपको उस वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वो वीडियो देखिएगा। तो ऑलरेडी कुछ बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अमेरिका में, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही हालात बनने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं इस घटना के कारण। तो पहला कि किसी बीमारी से जन और धन की हानि होना, लोगों का नाश होना, लोगों की मृत्यु होना और धन की हानि होना। दूसरे नंबर पर युद्ध जैसे हालात होना या एक छोटा युद्ध होना। तो देखिए, इस तरह के हालात ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हम अफगानिस्तान के संदर्भ में बात करें तो अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में पहले से ही संघर्ष चल रहा है। या तो ये संघर्ष बड़ा रूप ले ले, या फिर किसी भी देश में ये हो सकता है। मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी देश के संदर्भ में उसको कंसिडर करके चलिए। किसी भी देश में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होना या फिर एक छोटा सा युद्ध होना, इस तरह की स्थितियां भी होगी, जैसे कि एयर स्ट्राइक तरह की कुछ घटना या कुछ युद्ध या छोटा युद्ध, इस तरह के हालात बन सकते हैं। अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी बने हुए, लेकिन वहां पर और हालात बिगड़ सकते हैं और बिगड़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और इसी के साथ धमाके होना, मतलब किसी ब्लास्ट होना, बम फटना जिसमें लोगों की जान जाए, और आतंकवादी घटनाएं होना, इस तरह की स्थिति देश दुनिया में बनेगी, या देश में या देश के किसी भी
हिस्से में या फिर दुनिया के किसी भी देश में ये इस तरह की घटनाएं हो सकती है, और ये योग का असर कब तक रहेगा? इसका असर अगले 8 महीनों तक रहने वाला है। ऐसा नहीं कि ये अभी 13 दिन का योग है तो इसी में ये घटनाएं होगी, ऐसा नहीं है। इसका असर अगले 8 महीनों तक रहेगा। नंबर तीन, तीसरी प्रिडिक्शन जो मैं अब यहाँ करने जा रहा हूँ, किसी भी देश में आंतरिक विद्रोह होना, जनता और सरकार के बीच में आंतरिक विद्रोह होना, या फिर आंतरिक कलह होना, जनता और सरकार का टकराव, या फिर तख्तापलट होने की संभावनाएं हैं। ये पाकिस्तान में भी हो सकता है या फिर दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है। इसके होने के योग बहुत ज्यादा प्रबल है। नंबर चार, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा में क्या हो सकता है? महामारी, सुनामी, भूकंप या ग्लेशियर फटना, इस तरह की घटनाएं होने के बहुत ज्यादा योग बनेंगे अगले 8 महीनों में। ये जो योग बन रहे हैं इस कारण से, और ये सब घटनाएं होने के योग ज्यादा है। देखिए, जल प्रलय, जल प्रलय मतलब कि हमने देखा उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा था, बाढ़ आना, है ना, जल से कोई तबाही होना, या तो जल से या फिर भूकंप से या फिर प्राकृतिक आपदा किसी भी तरह की, इस तरह की घटनाएं होने के प्रबल योग बनेंगे अगले 8 महीनों में, जिसमें कि कई लोगों की जान जाए, कई लोगों की मृत्यु हो, इस तरह के योग बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगले 8 महीनों के अंदर। अगर भूकंप आता है तो भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप, एक बड़ा भूकंप आने के यहाँ पे योग है। नंबर पांच, दुनिया के किसी भी देश में वहां की जनता को कई सारी परेशानियां झेलना पड़े, उनका उनकी कत्लेआम हो जाए उनका, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए किसी भी वजह से, इस तरह के योग भी बन रहे हैं जो अफगानिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है। तो या तो ये घटनाएं अफगानिस्तान में और बढ़ सकती हैं, या फिर दुनिया के किसी और देश में हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है कि जनता परेशान हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई धर्म विशेष के जो लोग हैं सिर्फ उनको परेशानी हो। इस तरह की घटनाएं होने के योग अगले 8 महीनों में हैं। अगला और आखिरी नंबर सिक्स जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये भारत में भी हो सकता है या फिर दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है कि किसी भी नेता पर कोई आंच आए, उसका करियर खत्म हो, या फिर उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, उसकी छवि धूमिल हो जाए, उस पर कोई बहुत बड़ा आरोप लग जाए, इस तरह की घटना भी होने के योग बन रहे हैं। ये भारत में भी हो सकते हैं या फिर भारत के बाहर या दुनिया के किसी भी देश में ये घटनाएं अगले 8 महीनों में होने के प्रबल योग हैं। आप ये पूरी 6 प्रिडिक्शंस चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगले 8 महीनों तक आप इसको देखिएगा। आप ये सारी प्रिडिक्शंस नोट कीजिए और एक एक करके देखिए अगले 8 महीनों तक, या तो अपने मोबाइल में रिमाइंडर डालिए आप, या कहीं पर नोट करके रखिए और देखिए अगले 8 महीनों में 6 में से कितनी प्रिडिक्शन सही होती है। अगर सही होती है तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट में डाल के बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी सतर्क हो सके, अलर्ट हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।